चालू हो गया। चलिए रुके रुके यहाँ पे हम और सचिन राव जी के पिक्चर दिए हैं नौका बिहार की तरफ। गाड़ी ये चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ कमेंट्री करने के लिए। ये देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे बहुत प्लेयर आए खेलने के लिए। हाँ नहीं नहीं हेलमेट कोई पकड़े नहीं, हम बैठे ना, चलिए ना। अरे बात सही है, ये देखिए हम लोग मध्यम मध्यम गति से निकलते हुए लोगों को छोड़ रहे हैं। लोगों की भीड़ देखिए कितनी भीड़ है यार, क्योंकि आज संडे है ना। इस समय हम कौवाबाग की कॉलोनी में हैं और कौवाबाग काफी हरा भरा एरिया है और यहाँ हरियाली हमेशा रहती है। आज मौसम बड़ा सुहाना हुआ, देखिए एकदम लबरस वाला मौसम हुआ है, लग रहा शिमला वाला मौसम हुआ है यहाँ पे। सूर्य भगवान को देख लीजिए भी काफी बढ़िया प्रकाश देते हुए चमक बिखेर रहा है एकदम गोरखपुर में। हम है राही प्यार के बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो। देखिए हम लोग गाना गा के चलते हुए। सचिन राव जी के बाद कुछ गाना चाहेंगे? नहीं आप कहिए। क्या मौसम सुहाना हुआ, देखिए इतना सुहाना मौसम शायद मैंने कभी लाइफ में फील किया हो। नहीं हो रहा, नहीं चल रहा है, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट 39 सेकंड हो गया। तो ऐसे करिए, ऐसे आगे की तरफ, मतलब नहीं ऐसे है। अच्छा देखिए काफी स्पीड में हम जा रहे हैं, एकदम 8G स्पीड में गाड़ी चल रही है। देखने के लिए 4G गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन चलाते हैं 8G स्पीड में। इस तरह से हम लोग कौवाबाग खत्म होने वाला है और यहाँ का अंडर पास आपको दिख जाएगा। जल्दी अंडर पास दिखेगा आपको, अंडर पास हुआ है, बहुत ही बढ़िया अंडर पास बना है। कितना कितना मस्त हवाएं चल रही है, देखिए इसमें सर को मत दिखाइए, बस ऐसा दिखाइए ना, बस व्यू आए और हम लोग का आवाज आए बस। और ये भी ना दिखे कि स्कूटी चल रहा है, तो सबको हम काट देंगे। ऐसे देखिएगा बड़ा सही आएगा, एकदम सही गजब आ रहा। ये देखिए हम लोग कौवाबाग अंडर पास में घुसते हुए, क्या बेहतरीन बना है। ये बच्चे हल्ला करते हुए बहुत खुश नजर आ रहे हैं यहाँ के बच्चे। अब हम लोग रेलवे दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे दफ्तर ये क्या है बता दीजिए? ये महाप्रबंधक कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे। महाप्रबंधक कार्यालय काफी डेवलप हुआ है अभी, देखिए एकदम बेहतरीन बना हुआ है। एरिया काफी अच्छा है, यहाँ से सबसे बढ़िया हमको लग रहा है जो हवा चल रही है, एकदम बेहतरीन हवा चल रही है, एकदम प्यार वाला मौसम चल रहा है। लग रहा है ऊपर वाला भी खुश है हम लोग के ऊपर। गोरखपुर का मेन रेलवे के सारे ऑफिस इधर ही है और
और ये अब आएगा रेलवे का ऑफिसर क्लब इस साइड, और ये नया ऑफिसर क्लब इधर बना हुआ है। हाँ, इसी ऑफिसर क्लब में एक दिन मैं शादी में आया था सबको लेकर, और ये नया ऑफिसर क्लब बना है काफी सुंदर। ये देखिए इधर दिखा दे रहा हूँ नया ऑफिसर क्लब। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हुए रेलवे ऑफिस, रेलवे ऑफिस से बाहर निकलती है। देखिए ये महाप्रबंधक आवास परिसर है, महाप्रबंधक आवास परिसर। योगी जी द्वारा बस चलाया जा रहा है वो आपको सामने दिख सकता है, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बस। योगी जी ने विकास बहुत किया गोरखपुर, बस एक ही काम नहीं किया है, नौकरी नहीं दी है बच्चों को, रोजगार नहीं दिया है बस। और ये रहा इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बस देखिए, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक बस। ये आप सामने जो येलो कलर का दीवार देख रहे हैं वो वी पार्क है, और फिलहाल हम वी पार्क नहीं जा रहे हैं, और आप कमेंट करिएगा तो वी पार्क भी जाएंगे और अंदर का वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम लोग नौका बिहार जा रहे हैं, कुछ राजनीतिक बात कर रहे हैं, कुछ विकास की भी बातें होंगी, कई बार राजनीति भी नहीं होगी। देख सकते हैं ये साइकिल से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए दो जोड़ी आ रहे हैं। ये रोड भी विकास हो गया है, तो रोड चकाचक हो रही है, बस नौकरी नहीं मिल रही है। विकास के नाम पे तो पूरा इनको नंबर मिलेगा योगी सरकार को, लेकिन नौकरी के नाम पे जीरो मिलेगा, नौकरी के नाम पे जीरो मिलेगा। इस तरह से हम लोग जिस रोड पे आ रहे हैं वो मोहद्दीपुर होते हुए पैडलेगंज जाता है, ये पैडलेगंज का रोड है। विकास इन्होंने इतना कर दिया योगी जी के यहाँ के आगे, बनारस फेल हो गया मोदी जी का। देखिए पीछे चीज भी नजर आती है गाड़ी हमारे सचिन ब्लॉग जी के भी, लाइक सब्सक्राइब और घंटा बजाना मत छोड़िएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं, जितना से जितना होगा शेयर करें इस वीडियो को। और इस तरह से हम लोग पैडलेगंज आ गए हैं, पैडलेगंज पहुंचते हुए हम लोग यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र मूर्ति, सुभाष चंद्र जी की मूर्ति आपको देख सकती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। अब हम ये नौका विहार की तरफ टर्न लेंगे, और आप देख सकते हैं ये बुद्ध जी का मूर्ति, ये देखिए नौका विहार। ये देखिए कितना मस्त रूप हुआ है, ये देखिए इधर भी विकास की गंगा बह गई है, एकदम स्वीडन शिमला सब बना दिए, सब इंजॉय करते हैं यहाँ पे आते हैं, सुबह सुबह यहाँ भक्ति भजन भी चलता है ऊपर देखिए। जलकुंभी भरी रहती थी, लेकिन योगी जी ने इसकी जलकुंभी निकाल के एकदम स्वच्छ कर दिया है इसको, बस एक ही काम नहीं किया, नौकरी नहीं दे रहे योगी। इधर ये पहले वाटर पार्क हुआ करता था, वाटर पार्क अभी सब बंद चला है, बंद पड़ा है, पता नहीं कारण हम लोग नहीं जानना है, चालू होगा जल्दी चालू हो जाएगा अभी। देखिए सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं,
गंभीर नाथ परीक्षा दी, योगी जी ने देखिए कितना विकास किया गोरखपुर का, क्या चाहिए आपको, और नौकरी नहीं दे रहा है। ये देखिए लड़के कितने खुश है, आराम से बाइक लेके निकलते हुए हम लोग को देखते हुए। विश्व का सबसे ऊंचा झंडा भारत का, ये देखिए योगी जी ने झंडा लगाया कितना बढ़िया। ये देखिए टाइगर घुमाते हुए, नहीं रोका जाए वहाँ वहाँ निकल गया, मगर पार्किंग लगा दी है। सचिन राव जी के पी और प्रवीण सिंह राज पहुंच चुके हैं यहाँ पे नौका बिहार। सब लोग कैमरे की नजर में लीजिए, आप पकड़िए कमेटी आपके बहुत कदम।